हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू टेक्निकल फिजिक्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक ऑल बेसिक्स टू अंडरस्टैंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो लाइट का इंटरफेरेंस आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है 12th लेवल पर भी, और जो 12th में पढ़ रहे हैं वो इसको देख रहे होंगे टॉपिक को। तो आइए समझते हैं आज की कुछ ऐसे टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ जिनके बिना इंटरफेरेंस टॉपिक को समझना बहुत ही मुश्किल है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज उसी को। तो फर्स्टली वी हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द टॉपिक वेव ऑप्टिक्स इन इंजीनियरिंग फिजिक्स। तो जितने भी टॉपिक हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, वन फर्स्ट नंबर पर वेव फ्रंट है, सेकेंड नंबर पे कोहेरेंट सोर्स है, फिर इंटरफेरेंस के टाइप्स हैं और प्रोडक्शन मेथड है। तो ये जितनी भी चीजें डिस्कस यहाँ पे हम लोग करेंगे ये सभी किसके अंदर आ रहा है? वेव ऑप्टिक्स को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि वेव ऑप्टिक्स क्या है, तभी हम इसके इस बेसिक टॉपिक को जिसका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हम समझ पाएंगे। तो वेव ऑप्टिक्स, व्हाट इज वेव? तो क्या आप अपने मन में सोच पा रहे हैं इस समय इसका आंसर कि वेव क्या होता है? अगर आप जो मैं लिखने जा रहा हूं वो अगर सोच रहे हैं तो इसका मतलब आपका समझना सोचना बिल्कुल सही है, और 12th लेवल पर या बीटेक लेवल पर आपको ये बात एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि व्हाट इज अ वेव। तो वेव, अगर इन जनरल वेव वी विल से इट इज ए टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट, बिकॉज we will discuss about the optics term and optics term always refer to light. Optics का मतलब या sense हमेशा किससे होता है? Light से होता है। तो wave optics यानी कि wave is a kind of disturbance. अब कैसा disturbance है? अगर हम सिर्फ इतना ही बोलें कि wave जो है हमारा ये disturbance है तो ये definition wrong हो जाएगी, because we cannot say it is a only a disturbance. It is a specific type of disturbance which has some special characteristics like wavelength. तो तब तक हम इसको wave नहीं कह सकते ऐसे disturbance को जब तक उस light में क्या ना हो, wavelength ना हो, frequency ना हो, amplitude जहां भी wave exist कर रही होगी इसका मतलब है वहां पर कुछ ना कुछ value amplitude की होगी। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेव की। तो वी कैन से दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव। एंड व्हाट इज वेव? वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस ऑफ लाइट विच हैज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, डायरेक्शन। तो हमारा जो टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या हुआ? ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट टॉपिक वेव ऑप्टिक्स में यानी कि इन चीजों की प्रॉपर्टी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो ये सारे बेसिक्स हम ऑलरेडी जानते हैं, 12th लेवल पे हमने पढ़ा हुआ रहता है। एम्पलीट्यूड को बताना चाहूंगा एक ब्रीफ उसमें कि सपोज ये एक साइन वेव है और यहां पर इसी साइन वेव का अगर मैं इनहेंस आउटपुट बना दूं तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? देखिए वैल्यू ये जो है इसको ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये लो एम्पलीट्यूड है इधर और इधर हाई एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ के डिफरेंस से हम इसको समझ पा रहे हैं कि एम्पलीट्यूड टर्म क्या होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसके लिए हमें सबसे पहला टर्म जो समझना है वो कौन सा है? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इज दैट टॉपिक विदाउट विच इंटरफेरेंस इज इनकम्प्लीट, एंड द कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट इज गिवन बाय द हाइगेंस। हाइगेंस की थ्योरी 12th लेवल पे, 11th लेवल पे आप लोग सभी पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। तो वो क्या होती है तो सबसे पहले समझ लेते हैं वेव फ्रंट है क्या चीज। एक्चुअल में हाइगेंस ने जो वेव प्रोपोगेशन है, वेव का एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको समझाने के लिए वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। अब ये कॉन्सेप्ट कैसा है इसको समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं कि यहां पर एक ये तालाब है, इस एरिया में एक तालाब है और इस जगह पे मैंने कोई पत्थर फेंका, तालाब में पानी रुका हुआ है, मैंने पत्थर फेंका तो यहां पर क्या होगा? पानी की आप देखेंगे वेव्स प्रोपोगेट करेंगी कुछ इस तरीके से,
आगे बढ़ते हुए हमें दिखता है, आपने महसूस किया होगा, नहीं महसूस किया है तो आप इसको वन ग्लास जिसका थोड़ा डायमीटर बड़ा हो ऐसा ग्लास आप लेकर के उसमें अपने फिंगर डिप करेंगे तो भी उसमें आपको ऐसा प्रोपोगेशन दिख जाएगा। तो ये प्रोपोगेशन क्या है एक्चुअल में, कि वेव यहां पर हमने जनरेट की, पॉइंट डिप यहां पे किया और धीरे धीरे वो वेव हम क्या देख रहे हैं यहां से यहां पहुंच गई, तो ये कहलाता है वेव का प्रोपोगेशन। और ये वेव का प्रोपोगेशन किसके फॉर्म में होता है, वेव फ्रंट के फॉर्म में। तो एक जनरल वे में जल्दी से समझ लेते हैं क्योंकि टॉपिक का बेसिक वेव फ्रंट ही है। तो वेव फ्रंट की पहले मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूं कि वेव फ्रंट इज ए लोकस ऑफ ऑल दैट पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग ऑन सेम फेज। तो ये एक स्टैंडर्ड कह सकते हैं डेफिनेशन है वेव फ्रंट की। अब इस डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं कि ये डेफिनेशन यहां पर क्या कर रही है, क्या बताना चाहती है। तो एक सबसे पहले एग्जांपल में पिक्चराइजेशन कर देता हूं इसके लिए जिससे कि आप समझ पाएंगे। हाइगेंस ने बताया था कि जहां पर भी हमारा पॉइंट सोर्स होता है, ये सोर्स यहां पर हम समझ सकते हैं एज अ पॉइंट सोर्स। तो जब पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स का एग्जांपल सपोज एक बल्ब है 100 वाट का, ये बल्ब जल रहा है तो इससे जो लाइट फैलेगी वो किस तरीके से फैल रही होगी, इस तरीके से फैल रही होगी। और हम सभी लोग जानते हैं पहले से ही कि लाइट जो है वो पार्टिकल का भी फॉर्म होती है और वेव का भी फॉर्म होती है, दोनों तरीके से ये वर्क करती है। तो यहां पर जो पॉइंट सोर्स है इससे जब लाइट बाहर निकलती है, यानी कि पार्टिकल्स जब बाहर निकलते हैं वो रेंडमली डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर मैं इसको यहां पे ऐसे बनाऊं, ये रेंडमली डायरेक्शन में इस तरीके से बने हुए रहते हैं खूब सारे। अब इनके उन सभी पॉइंट्स को अगर हम एक सरफेस को ड्रॉ करें, किन पॉइंट्स की, उन सभी पॉइंट्स की विच आर वाइब्रेटिंग ऑन सेम फेज, जिनका सेम फेज हो, या कह सकते हैं कि बीच वाला जो डेसिमल पॉइंट है, जो पॉइंट सोर्स है, यहां से अगर डिस्टेंस सेम है, सपोज ये पॉइंट्स इनकी डिस्टेंस सेंटर से सेम है, यानी कि ये सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इनका अगर हम एक सरफेस ड्रॉ कर दें, टेंजेंट इन पर ड्रॉ कर दें, या इसको हम कहते हैं कि लोकस अगर हम इसका ड्रॉ कर दें, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देता है, दैट इज स्फेरिकल। तो इन दिस केस दिस टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज नोन एज स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये कैसे बन रहा है, यानी कि जैसे ही पॉइंट सोर्स से लाइट निकली, इसके चारों ओर जो पॉइंट वाइब्रेट हुए सेम फेज में, उनका लोकस हम देख रहे हैं कि वो कैसा है, वेव फ्रंट के तरीके से है। अब हाइगेंस ने एक बात और भी बताई थी कि जब ये पहला वेव फ्रंट है, मान लीजिए सबसे इनर साइड वाला, इसमें फर्दर छोटे छोटे वेवलेट्स जनरेट हो जाते हैं, यानी कि लाइट के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो ईच वेवलेट विल वर्क एज द सेकेंडरी सोर्स, पहले पहला पॉइंट सोर्स था, अब यहां पर इतने सारे और बहुत सारे पॉइंट सोर्स हमें मिल गए और यहां से फर्दर ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसे ही वाइब्रेशंस करेंगे। तो इन वाइब्रेशंस को जब हम जोड़ते चले जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारी जो वेव का प्रोपोगेशन है वो इस डायरेक्शन में बढ़ता हुआ जाता है। और इसीलिए यहां से हम हाइगेंस ने प्रूव भी किया था कि लाइट रे जो है वो एक बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये तो कंसेप्ट है हमारा वेव फ्रंट का। तो ध्यान रखेंगे व्हाट इज वेव फ्रंट, वेव फ्रंट इज ए लोकस ऑफ ऑल दैट पॉइंट्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग ऑन सेम फेज। तो वेव फ्रंट में एक कंसेप्ट और है जो मैं आपको बता देता हूं कि देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, बहुत तरीके के वेव फ्रंट्स हो सकते हैं। एंड दीज वेव फ्रंट्स आर, या वी कैन से दीज वेव फ्रंट्स कैन बी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द सोर्स। तो सपोज इफ वी हैव पॉइंट सोर्स, हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है इस तरीके से, तो ये पॉइंट सोर्स जब भी हमारे पास होगा तो इसमें जो हमें वेव फ्रंट मिलेगा वो कैसा होगा, आप हमेशा याद रखना है इसको कि वेव फ्रंट विल बी स्फेरिकल। दूसरी चीज आपको जो याद रखनी है कि इफ वी हैव लीनियर सोर्स,
लाइट दिस, एक एग्जांपल समझने के लिए कह सकते हैं ट्यूब लाइट है, उसका जो पॉइंट है बल्ब में इस तरीके से पॉइंट है, ट्यूब लाइट में ऐसा पॉइंट है समझने के लिए, लीनियर सोर्स के लिए। तो इसका जो हमेशा वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा होगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अब एक टाइप का वेव फ्रंट और भी हम लोग पढ़ते हैं जिसका यूज हम लोग इंटरफेरेंस थ्योरी में भी करेंगे, तो ये क्या है यहां पर देख लेते हैं इसको। चलिए तो देख लेते हैं इसको, दूसरा जो हमारा तीसरा जो टाइप हम कह सकते हैं ये होता है हमारा प्लेन वेव फ्रंट। तो ये प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है, किस कंडीशन में हमें प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा? तो प्लेन वेव फ्रंट हमेशा याद रखेंगे हम लोग, जब भी हमारे जो सोर्स होते हैं, दो सोर्स जो इंटरफेरेंस करेंगे, अभी समझेंगे इस टर्म को कि व्हाट इज इंटरफेरेंस। दो सोर्स जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं उनका जो पैटर्न बनता है, जो उनका डिस्प्ले हुआ इंटेंसिटी का, वो कहीं जाकर के इनफाइनाइट पर होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारा सोर्स इनफाइनाइट पर है तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। तो ये तीन कंडीशन आप याद रखेंगे तो आपको वेव फ्रंट का कंसेप्ट ध्यान रहेगा। चलिए तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको मोस्टली एग्जाम में मिलता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस या व्हाट इज कोहेरेंस। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो समझते हैं इसको कि ये कोहेरेंट सोर्स होता क्या है। तो कोहेरेंट अपने आप में एक लाइट की प्रॉपर्टी को बताने वाला वर्ड, अब ये कैसी प्रॉपर्टी को बताता है ये देख लेते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स वो सभी सोर्स कोहेरेंट कहलाते हैं जिनमें सेम वेवलेंथ हो, यानी कि दो हमारे पास लाइट सोर्स हैं जिनसे निकलने वाला आउटपुट कुछ इस तरीके से है, और एक और मेरे पास लाइट सोर्स है जिसका निकलने वाला टॉपिक जो आउटपुट है वो भी बिल्कुल उसके जैसा ही है, तो इसका फेज भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है 2π तक जा रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है 2π तक आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों सेम फेज में होंगे। दूसरा जो पार्ट है यानी कि वो सभी सोर्स कोहेरेंट सोर्स कहलाएंगे जिनमें फ्रीक्वेंसी सेम होगी। थर्ड थिंग वी कैन से एम्पलीट्यूड सेम हो, एंड फोर्थ वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज कोहेरेंट सोर्सेज, जिनके बिना कोहेरेंस प्रॉपर्टी पॉसिबल ही नहीं है, वो क्या प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है फेज डिफरेंस। ये दोनों चीजें मैंने यहां पर लिख दी, क्या दोनों चीजें हैं कि कोहेरेंट सोर्स, ऑल दैट सोर्सेज आर नोन कोहेरेंट सोर्स विच हैविंग सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फेज, और वी कैन से द फेज इज कांस्टेंट, फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल इन दिस वेव वी कैन सी बोथ द वेव्स हैविंग स्टार्टिंग फेज इज जीरो, दैट मीन्स बोथ हैज सेम फेज, तो इन दैट केस वी विल से दी सोर्सेज आर कोहेरेंट सोर्स। तो इंटरफेरेंस के लिए सबसे रिक्वायर्ड थिंग जो है वो क्या है, कोहेरेंट सोर्स। इंटरफेरेंस हम वर्ड जब भी बोल रहे हैं इसका मतलब है कि वी रिक्वायर परफेक्ट इंटरफेरेंस, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस हमें चाहिए, हम पार्शियल इंटरफेरेंस की बात अपनी वेव ऑप्टिक्स में नहीं कर रहे हैं। तो फुली कोहेरेंट सोर्स, फुली का मतलब ये कह सकते हैं क्योंकि पार्शियल भी कोहेरेंट सोर्स हो सकते हैं, क्योंकि कोहेरेंस प्रॉपर्टी इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज हो सकता है किसी दो लाइट में आपस में मैच भी कर जाए, तो ऐसे सोर्स को हम पार्शियल कहेंगे। तो दो तरीके के सोर्स क्या बने, एक तो फुल कोहेरेंट सोर्स जो हो और एक पार्शियल हो। तो फुल का एग्जांपल हम कह सकते हैं लेजर, मैन मेड है, यानी कि नेचर में अपने आप अगर हम देखें कि कोई भी लाइट सोर्स ऐसा नहीं है
जो फुली कोहेरेंट हो। तो नेचर में ऐसे सोर्स मिलते नहीं है और हमें इंटरफेरेंस के रिक्वायर्ड रहते हैं, तो हम उसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, वी विल डिस्कस दिस पॉइंट इन फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्शन मेथड। तो लेजर इज द एग्जांपल ऑफ कोहेरेंट सोर्स। अगर टू मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो आपको यहां पर ये क्वेश्चन में एग्जांपल भी लिखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि पार्शियल कौन सा एग्जांपल होगा। तो पार्शियल में हम सनलाइट कह सकते हैं, सनलाइट में भी कुछ ना कुछ पार्शियल कोहेरेंस की प्रॉपर्टी रहती है। ये सारी प्रॉपर्टी तो नहीं होती, बट कई लाइट्स ऐसे होती हैं इनमें जो सेम फेज में ट्रेवल कर रही होती हैं, तो इसलिए हम इसको कोहेरेंट सोर्स तो नहीं कहते हैं बट पार्शियल कोहेरेंट सोर्स कह सकते हैं। तो बट इन केस ऑफ इंटरफेरेंस वी विल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोहेरेंट सोर्स। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेरेंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, बिकॉज इन टॉपिक के बिना तो इंटरफेरेंस तो अपने आप में ऐसा ही टॉपिक है जिसके समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इंटरफेरेंस क्या है, इसके वर्ड को मीनिंग को आप जरा निकालने की कोशिश करिए, क्या मीनिंग निकल रहा है इसका। इंटरफेयर, अगर आप देखेंगे इसका जो फॉर्मेशन है, इंटरफेयर का मतलब क्या होगा कि किसी भी काम में रुकावट डालना, इंटरफेरेंस करना। मैं बोल रहा हूं और मेरे बोलते बोलते कोई दूसरा साउंड यहां पर प्रोड्यूस होने लगे तो इट विल इंटरफेयर इन माय टॉक्स। तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, इसको मैं एक डेफिनेशन वाइज लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। When two coherent sources, when two coherent sources, sorry, तो हम इसको समझ लेते हैं कि इंटरफेरेंस क्या है। तो when two coherent sources lights, or we can say two coherent waves, propagating in same direction superimpose each other, then redistribution of light intensity is called interference। तो एक जनरल डेफिनेशन इंटरफेरेंस को समझने के लिए मैंने यहां पर लिख दी है कि जब दो कोहेरेंट सोर्सेस से आने वाली लाइट, या उसको हम कहेंगे लाइट वेव, प्रोपोगेट कर रही हो सेम डायरेक्शन में। ये ध्यान रखेंगे कि इंटरफेरेंस होने के लिए जरूरी है कि दोनों वेव का डायरेक्शन सेम हो। इस तरीके से अगर एक वेव ऐसे है दूसरी वेव ऐसे है तो इन दोनों के बीच इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो इंटरफेरेंस होने के लिए द रिक्वायर्ड फर्स्ट कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस इज सेम डायरेक्शन शुड बी देयर। नाउ सुपर इम्पोज ईच अदर, व्हाट डज इट मीन सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज का मतलब इंटरमिक्स होना, मिलना, टकराना दोनों वेव का, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना। तो जब ये दोनों कोहेरेंट वेव आपस में सुपर इम्पोज करती हैं, तो इनके सुपर इम्पोज होने से क्या होता है, इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कौन सी इंटेंसिटी, जो ये दोनों वेव अपने साथ लेके चल रही है। तो जब ये इंटरमिक्स होंगी तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, और उनके इंटरफेरेंस से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी होगी। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। अब ये समझ लेते हैं कि ये इंटरफेरेंस कितने तरीके का होता है। तो इंटरफेरेंस जो है ये टू टाइप का बेसिकली होता है। तो समझ लेते हैं, देखिए क्या है ये दो टाइप। द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। And another type of interference is known as destructive interference,
नाउ व्हाट इज द डिफरेंस. आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो भी आप यहां पर वर्ड देखते हैं फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, मोस्टली इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में जो मीनिंग उसका निकल रहा है वो उसकी डेफिनेशन को बता रहा होता है. देखिए कैसे, कंस्ट्रक्टिव एंड दिस इज द अपोजिट वर्ड ऑफ कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्शन मीन्स कुछ बनना, बनाना, कंस्ट्रक्शन करना मीन्स कोई चीज ऐड हो रही है. तो कंस्ट्रक्टिव का मीन्स होता है जब कोई चीज ऐड हो रही है तो यानी कि उसकी वैल्यू कैसी हो रही है, बढ़ रही है. डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव मीन्स अपोजिट ऑफ दिस, यानी कि घटना, किसी चीज का कम होना. और कम का मतलब हम कह सकते हैं कि कोई चीज उसकी इंटेंसिटी लाइट की क्या हो रही है, कम हो रही है. तो इन दिस केस वी कैन से, अगर आप इसको डिफाइन कर दें, कंस्ट्रक्टिव का मीनिंग हमने केवल निकाल लिया हाई और लो के फॉर्म में. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस होता है व्हेन वी गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी आउटपुट आफ्टर इंटरफेरेंस ऑफ टू लाइट वेव्स. दो लाइट वेव में जब इंटरफेरेंस होता है और उनके इंटरफेरेंस होने से हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है. इंटेंसिटी की वैल्यू कैसी मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है. तो इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा नाम भी दे देते हैं, इसको मैक्सिमा भी कहा जाता है. इसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव में बिल्कुल सेम ऐसा इसमें भी समझ सकते हैं. डिस्ट्रक्टिव कब होगा, तो डिस्ट्रक्टिव जब दो लाइट वेव, दो कोरेंट वेव सेम डायरेक्शन में चलने वाली इंटरफेयर करें और उनसे मिलने वाली इंटेंसिटी कैसी हो, मिनिमम इंटेंसिटी हो. तो व्हेन वी गेट मिनिमम इंटेंसिटी एट अ रिजल्टेंट देन दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो डिस्ट्रक्टिव इसके हिसाब से इसको बोला जा सकता है मिनिमम. तो जो इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी हमें मिलती है, कम मिलती है, उसको हम बोलते हैं मिनिमा. जो इंटेंसिटी हाई मिलती है उसको बोलते हैं मैक्सिमा. अब यहां पर ये केस समझने का, इंटरफेरेंस को समझने के लिए कि ये क्या है टाइप्स, इसको समझने के लिए एक चीज है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये किन किन कंडीशन में मिनिमम और मैक्सिमम होती है. तो इसको समझने के लिए आपको वेव का कंसेप्ट पता ही है, डिस्कस करते हैं इसको. इस वेव में, किसी भी जनरल वेव में दो चीजें होती हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्रस्ट और इसको बोलते हैं हम लोग ट्रफ. तो क्रस्ट और ट्रव ये क्या चीज है, वी कैन से क्रस्ट इज लाइक द पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एंड ट्रव इज, ट्रव कैन बी नोन एज नेगेटिव एम्पलीट्यूड. ये पॉजिटिव साइकिल होता है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव का पीक, नेगेटिव का पीक. तो इन दैट केस वी गेट लाइक दिस क्रस्ट प्लस क्रस्ट. सपोज देयर आर टू वेव्स एंड बोथ वेव्स क्रस्ट विल कोलाइड विद ईच अदर और इंटरफेयर विद ईच अदर देन वी विल गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव. तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कंडीशन को, तो पहली वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का क्रस्ट जब आपस में इंटरमिक्स होता है, पहली वेव का ऐसा, दूसरी वेव का भी ये सेम डायरेक्शन में चलते हुए अगर टकरा जाएगा तो इसको कहेंगे क्रस्ट प्लस क्रस्ट मैक्सिमा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. दूसरी कंडीशन जब दोनों की लोवेस्ट इंटेंसिटी माइनस और माइनस, ट्रव और ट्रव आपस में मिल जाते हैं तो ये भी मिलकर के हाई इंटेंसिटी को बनाते हैं. तो ट्रव एंड ट्रव विल आल्सो गिव कंस्ट्रक्टिव टाइप इंटरफेरेंस. इन अनदर केस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सेम इसी तरीके से अपोजिट टर्म मिलते हैं, क्रस्ट के साथ ट्रव का फॉर्मेशन, या दूसरी वेव का पहले ट्रव मिले और उसके बाद नेक्स्ट वेव का क्रस्ट मिले. तो अगर अपोजिट चीजें हैं तो वो हमेशा क्या करेंगी, मिनिमम इंटेंसिटी को प्रोवाइड करती हैं आउटपुट में, रिडिस्ट्रीब्यूशन में मिनिमम इंटेंसिटी रहती है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस.
तो ये है टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, पहला कंस्ट्रक्टिव, दूसरा डिस्ट्रक्टिव। तो इसको अपने आने वाले लेक्चर्स में हम लोग यूज करेंगे कि कहां पर मैक्सिमा है, कहां पर मिनिमा है, एंड हाउ वी कैन फाइंड द पोजीशंस ऑफ दीज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है कि हमने ये समझ लिया बेसिक कि वेव फ्रंट क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, और अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि ये इंटरफेरेंस, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स मैंने बताया था कि नेचर में क्या है, ये फ्रीली तो मिल नहीं रहा है, इसको बनाना पड़ रहा है, कोहेरेंट सोर्स क्रिएट करना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज है वो एक किसी भी दो सोर्स में मिल नहीं सकती। यहां पे एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा जो एग्जाम में आता है कि ऐसा पूछा जाता है, व्हाई टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट। दो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, दो बल्ब है 100-100 वाट के, जला दिए, एक ही कंपनी के हैं, सब कुछ है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि ये कोहेरेंट होंगे या नहीं? तो डेफिनेटली दे विल नॉट बी कोहेरेंट, ये कोहेरेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसका कारण क्या है कि उस जो भी फोर प्रॉपर्टीज मैंने लिखी थी वो फोर प्रॉपर्टीज इनकी मैच नहीं करती है। तो अब इसको आगे समझते हैं कि प्रोडक्शन मेथड है क्या, हाउ टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस प्रोडक्शन मेथड कैन बी टू टाइप्स। तो इनडायरेक्टली हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्स, दोनों का मतलब यहां पर एक ही है, क्योंकि बिना कोहेरेंट सोर्स के इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। तो हम यहां पर यह भी कह सकते हैं हाउ टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्स। तो द फर्स्ट मेथड इज नोन एज बाई डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो अब ये यहां पर देख रहे हैं नाम आया वेव फ्रंट, तो ये टॉपिक अगर इंटरफेरेंस डायरेक्ट शुरू करें और आपको वेव फ्रंट का कंसेप्ट 11-12 में पढ़ा हुआ याद ही ना हो तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक इंटरफेरेंस। सो दीज आर दी दोज इंपॉर्टेंट बेसिक्स विदाउट विच इंटरफेरेंस इज इनकम्प्लीट। तो द फर्स्ट टाइप इज बाई डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, अनदर टाइप इज बाई डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहां पर आप चेक करिए मीनिंग, प्रोडक्शन मेथड कोहेरेंस सोर्स को बनाने का प्रोडक्शन मेथड कह रहा है पहले हम वेव फ्रंट को दो भागों में बांट दें या हम एम्पलीट्यूड को दो भागों में बांट दें, क्योंकि वो जब दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल एक ही जैसी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं 11-12 लेवल पे, बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इंटरफेरेंस इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसमें एक सोर्स स्लिट मान लेते हैं यहां पे, और इसी सोर्स स्लिट को हम दो पार्ट में S1 S2 में तोड़ देते हैं। यहां पर इस तरीके से वेव फ्रंट प्रोपोगेशन होता है और यहां पर फिर से S1 S2 दो सोर्स की तरीके से इन जो वेव होती है प्रोपोगेट करना शुरू करती है, और आपस में इन दोनों के बीच में यहां पर इंटरफेरेंस हमें मिलता है। ये कहलाता है मेथड डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, एक वेव फ्रंट को दो वेव फ्रंट में तोड़ना, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। इसके अलावा भी इसके और मेथड्स हैं, लॉयड्स मिरर मेथड, ठीक है। इसके अलावा एक और मेथड आपने सुना पड़ा होगा फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म मेथड, बाइप्रिज्म मेथड, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमारा जो एम है इंजीनियरिंग लेवल पर हम जब इसको पढ़ते हैं तो हम लोग डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पढ़ते हैं। ये 11-12 में आपने पढ़ लिए होंगे या इस समय पढ़ रहे होंगे। तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के एग्जांपल क्या क्या हैं? पहला एग्जांपल है थिन फिल्म इंटरफेरेंस, दूसरा जो एग्जांपल है वो है हमारा न्यूटन्स रिंग, तीसरा जो हमारा एग्जांपल है
वेज शेप इंटरफेरेंस। तो हम लोग अपने आने वाले जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें इन्हीं टाइप के इंटरफेरेंस को डिस्कस करेंगे। यहां पर इंट्रोडक्शन हम लोग दे रहे हैं इस टॉपिक का, या कह सकते हैं कि बेसिक्स ऑफ इंटरफेरेंस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस हो रहे हैं, यहां पर टाइप्स प्रोडक्शन के मेथड्स, कोहेरेंट सोर्स के मेथड्स, तो किस तरीके से इसको हमें करना है ये देख लेते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे प्रोडक्शन मेथड्स। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो मेथड्स हैं, इन मेथड के बिना, इन टॉपिक्स के बिना इंटरफेरेंस को हम नहीं समझ सकते। अब हम जब अपने नेक्स्ट टॉपिक में इनको समझेंगे तो हम लोग पहले थोड़ा सा बेसिक पे फोकस करते हुए हम एडवांस को पढ़ेंगे, यानी कि हम यंग डबल स्लिट की एक बेसिक थ्योरी को जरूर पढ़ लेंगे जिससे कि इंटरफेरेंस के वो सारे कंसेप्ट हम समझ पाए जो हमें इंजीनियरिंग लेवल पर चाहिए होते हैं। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं और इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, समझ लीजिए। इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कुछ एग्जाम में भी मिलेंगे 2 मार्क्स के लिए, जैसे कोहेरेंट सोर्स के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक मैसेज, एक सपोर्ट आप लोगों से हम चाहते हैं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है और आप इस तरीके के लेक्चर्स को और देखना चाहते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट में भी देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज सपोर्ट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। टेक्निकल फिजिक्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल गाइज। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे।